अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। पेज नंबर 40, आज हम सिर्फ चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 6 के, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने के साथ ही स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दिस आई स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम मेकिंग एन अम्ब्रेला। इस सब के बाद मैंने एक बहुत वक्त लंबा वक्त गुजारा अम्ब्रेला बनाने में। आई हैड सीन दम मेड इन ब्राज़ील Where they are very useful during the hot weather। मैंने ये सब काम ब्राज़ील में देखा था, जहाँ पर गर्मी में ये बहुत काम आती थी। The heat was just as great here as in ब्राज़ील। जैसे वहाँ गर्मी पड़ती थी, यहाँ भी उतनी ही थी। As I often went out, an umbrella was a most useful thing as a protection against the rain and the sun। जैसे ही मैं बाहर जाता था तो सूरज से और बारिश से प्रोटेक्शन के लिए अम्ब्रेला बहुत यूज़फुल थी। हाउएवर इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई कुड मेक एनी थिंग दैट डिड नॉट क्विकली फॉल इन टू पीसेस। मैं बहुत टाइम बाद ऐसी अम्ब्रेला बना सका जो कि टूटे ना। इवन आफ्टर आई थॉट आई न्यू हाउ टू डू इट, जबकि मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ। आई स्पॉइल्ड 2 or 3 बिफोर आई मेड 1 दैट सेटिस्फाइड मी। जबकि मैं एक काबिल इस्तेमाल अम्ब्रेला नहीं बना सका, मैं 2 or 3 ज़ाया कर चुका था। द चीफ डिफ़िकल्टी आई हैड वॉज टू मेक इट क्लोज। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उसको बंद करना था। आई कुड मेक इट ओपन, मैं उसे खोल सकता था, लेकिन अगर ये वापस नीचे नहीं जाएगी और बंद प्रॉपरली नहीं होगी, आई कुड ओनली कैरी इट ओवर माई हेड। मैं सिर्फ सर पर ले सकता था उसे। एंड दिस वुड नॉट डू, इसका फ़ायदा नहीं। हाउएवर जबकि एट लास्ट आई मेड 1 दैट वॉज गुड एनफ एंड कवर्ड इट विद स्किन। मैंने एक ऐसी बना ली जो कि अच्छी थी, काबिल इस्तेमाल, और मैंने उसे स्किन से कवर कर दिया। बाल उसके आउटसाइड पे लगा दिए जो कि मुझे सूरज से और रेन से दूर रख सकें, हिफाजत दे सकें। सो आई लिव्ड इन अ वेरी कम्फर्टेबल वे। अब मैंने कम्फर्टेबली वहाँ पर रहना शुरू कर दिया एंड मेड अप माई माइंड टू एक्सेप्ट माई लोनली लाइफ ऑन द आईलैंड। और अपनी लोनली लाइफ को आइलैंड पे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने अब ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग व्हेन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।